तीतस साधु भारतीय महिला क्रिकेट टीम में एक बॉलर यानी गेंदबाजी की भूमिका निभाती हैं। इन्होंने सितंबर 2023 से भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में इनके जीवन परिचय के साथ। इनका पूरा नाम तीतस रणदीप साधु है। इनका जन्म 29 सितंबर 2004 को चिंसुरा वेस्ट बंगाल भारत में हुआ। इनके पिता का नाम रणदीप साधु और इनकी माँ का नाम भ्रमर मलिक है और इनकी दादी का नाम मीता मलिक है। तीतस साधु दाएं हाथ के बैटर और दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है। टीम में इनकी मुख्य भूमिका एक बॉलर की होती है और इनकी जर्सी नंबर है 14। तीतस साधु की कैप नंबर यानी इनका देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण नंबर, इन्होंने अपना पहला 2020 इंटरनेशनल मैच 24 सितंबर 2023 को बांग्लादेश के खिलाफ खेला और वनडे और टेस्ट में इनको अभी डेब्यू करना बाकी है। वहीं तीतस साधु डोमेस्टिक लेवल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बंगाल वुमेन टीम से, इंडिया अंडर 19 वुमेन्स टीम से और दिल्ली कैपिटल WPBL से खेली और खेलती हैं। तीतस साधु के पिता स्टेट लेवल पर एक एथलीट थे, जिस वजह से तीतस साधु ने अपना खेल करियर की शुरुआत एक क्रिकेटर के रूप में नहीं बल्कि एक एथलीट के रूप में की और बड़े होने पर इन्होंने तैराकी और बास्केटबॉल में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन इसमें ज़्यादा समय तक सफल नहीं रह पाई और फिर इन्होंने क्रिकेट में रुचि दिखाई और क्रिकेट में ही अपना भविष्य बनाने का सोचा। तीतस साधु ने क्रिकेट की प्रारंभिक शिक्षा क्रिकेट कोच शिव शंकर पॉल से ली, जिनके निर्देशन में इन्होंने गेंदबाजी की बारीकियों को सीखा, जिसमें इनके पिता ने इनका बहुत साथ दिया और 14 साल की उम्र में पश्चिम बंगाल महिला क्रिकेट टीम के लिए अपना डोमेस्टिक पदार्पण किया, जिससे इनकी घरेलू क्रिकेट यात्रा की शुरुआत हुई। कोविड-19 के बाद 2020 के सीजन में तीतस साधु को बंगाल की सीनियर टीम के लिए नेट गेंदबाज के रूप में बुलाया गया, जिसके बाद बंगाल की सीनियर टीम के साथ यात्रा करके तीतस साधु ने सीनियर खिलाड़ी झूलन गोस्वामी से बहुत कुछ सीखा और फिर 16 साल की उम्र में सबसे कम उम्र की सदस्य के रूप में बंगाल की सीनियर टीम के लिए पदार्पण करने में सफल रही। 2022 महिला T20 टूर्नामेंट में 5 मैचों में 7 विकेट लेकर बंगाल की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज रही और 2022 के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंडर 19 राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई और टीम में एकमात्र तेज गेंदबाज के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ भारत का नेतृत्व किया। फिर साउथ अफ्रीका में खेले गए 2023 महिला अंडर 19 विश्व कप 2023 के लिए तीतस साधु को भारतीय टीम में चुना गया, जहां इन्होंने अपना शानदार खेल दिखाया और इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जिसमें तीतस साधु ने 4 ओवर में 2 विकेट लिए और मात्र 6 रन दिए। विश्व कप में प्लेयर ऑफ द मैच और 12 मैचों में 6 विकेट हासिल करने के बाद तीतस साधु बंगाल की पहली महिला खिलाड़ी बनी। इनके घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन को देखने के बाद चयनकर्ताओं का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ और सीनियर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए इनका सिलेक्शन हुआ और 24 सितंबर 2023 को चीन में एशियन गेम्स में बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में तीतस साधु ने अपना T20I अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया, जिसमें इन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। फिर 25 सितंबर 2023 को फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें तीतस साधु ने अपने 4 ओवर में 3 विकेट हासिल किए और केवल 6 रन दिए और 18 डॉट बॉल डाली और भारतीय महिला टीम ने अपना पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसमें तीतस साधु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और WPL यानी महिला प्रीमियर लीग के 2023 के पहले संस्करण की नीलामी में दिल्ली कैपिटल्स टीम द्वारा 25 लाख रुपए में तीतस साधु को अपनी टीम के लिए चुना, हालांकि अभी इनको अपना डेब्यू करना बाकी है। दोस्तों, तीतस साधु फेमस क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नक्शे कदम पर वही बॉलिंग एक्शन के साथ आगे बढ़ रही है, तो हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि ये देश के लिए अच्छा क्रिकेट खेलें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है, तो कृपया हमसे टीम नेशन तमाशा@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।